समग्र देश में आगामी 2024 में लोकसभा चूंटणी में अखिल भारतीय परिवार पार्टी पोताना तमाम 543 सीटों पर चूंटणी लड़शे। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी अने पार्टी समग्र देश में पोताना उम्मीदवारों लोकसभा चूंटणी ने लईने उभा राखशे। तेमज 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 लोकसभा सीटों आवशे तेवो दावो करवामां आव्यो छे के भारतीय परिवार पार्टी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुशवाहा तेमज राष्ट्रीय सचिव हरप्रीत सैनी तेमज गुजरात प्रदेश अध्यक्ष तेमज कार्यकर्ताओ हाजर रहा था। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा नक्की करेली नीति नियमों मुजब मात्र सामान्य नागरिक ने सामान्य घर माथी आवता लोकोने लोकसभा चूंटणी लड़वानो मौको अपाशे। तो तेमज तेमने तमाम राजकीय प्रकारनी ट्रेनिंग पण आपवामां आवशे। तो 2024 नी लोकसभा चूंटणी में जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी नी सरकार बनशे तो समग्र देश में शिक्षण ने निःशुल्क करवानुं लक्ष्य नक्की करवामां आव्युं छे। तेमज शिक्षण आरोग्य रोजगारी पहलो जेवो मुद्दा पण ध्यान केन्द्रित करीने समग्र देशनुं लोकशाही तंत्र ने राजकीय तंत्र बदलवानो दावो करवामां आव्यो छे। तो समग्र भारतनी चूंटणी प्रक्रिया पर वात करता जणाव्युं के जाति आधारित नहीं पण भारतीय नागरिक आधारित चूंटणी प्रक्रिया करवानो दावो पण राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा द्वारा विश्वास व्यक्त करवामां आव्यो छे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के भी नियम कानून बहुत टफ है। हम किसी भी पुराने सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने का मौका नहीं देंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी राजनीति की एक नई पौध तैयार कर रही है। साधारण परिवार के लोग पूरे देश से ऐसे लोगों की खोज जारी है जो राजनीति के इच्छुक हों, टैलेंट हों, टैलेंटेड हों और वो राजनीति करना चाहते हों, ईमानदारी से भारतीय राजनीति में आना चाहते हों, उनका स्वागत है। 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश की सभी 543 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ना कि सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगी। सर, खास करके पार्टी की शुरुआत कब हुई थी, कितने सदस्य जुड़े हैं, गुजरात में किस तरह से आपका आगे का मतलब? गुजरात प्रदेश के लिए ऐसा कोई स्पेशल रोडमैप नहीं है, जो पूरे देश का है वही गुजरात का है, क्योंकि हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। और चुनाव आयोग का रजिस्ट्रेशन डेट की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 2019 को हमें रजिस्ट्रेशन मिला है और 29 मई 2019 को हमने चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दी थी। पार्टी बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम अपने गली मोहल्ले रिश्तेदार के लोग 100 लोग मिलकर चुनाव आयोग चले जाए और पार्टी बना लें, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने पहले कई सालों तक पूरा देश घूमा, पहले अपनी विचारधारा के लोग पूरे देश से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से हमने ढूंढे। जब हमें हमारे जैसे 500-600 लोग मिल गए फिर उनमें से हम लोगों ने 100 मेन लोगों ने मिलकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है। गुजरात में आपका आने वाले समय में क्या प्लानिंग है, पार्टी को कब लॉन्च कर रहे हैं, कितने लोग को जुड़ रहे हैं? अखिल भारतीय परिवार पार्टी 8 अगस्त 2023 को ऑफिशियल लॉन्च होगी। 8 अगस्त 2023 पार्टी बन गई है, पार्टी का काम चालू है। पूरे देश में 28 प्रदेश और 8 यूनियन टेरिटरी में हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। प्रचार प्रसार एजेंडा सब कुछ पूरी तरह चल रहा है, बट अभी हम जानबूझ के खुलकर मीडिया में नहीं आते हैं। आज हमने गुजरात में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि हमें 2024 के पहले कोई चुनाव नहीं लड़ना, तो 2024 के बाद ही हम चुनाव लड़ेंगे। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं 2022 के इलेक्शन के, क्योंकि यूपी में बड़ा चुनाव है, गुजरात है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि 22 में आपका यूपी में क्या प्लान है, गुजरात में आपका क्या प्लान है। इसलिए अभी हम थोड़ा सा खुलकर मीडिया से दूर हैं और 2022 के चुनाव होने के बाद हम खुलकर मैदान में आ जाएंगे और 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली से पार्टी की लॉन्चिंग होगी।